ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। एक क्या ऐसा है कि पेट में दर्द है, वो आ नहीं पाएगा? हाँ बलि कैसे होगा? हाँ पूजा अधूरा रह जाएगा। बलि चढ़ा सकता है लालू, वो पहले ये काम बहुत करता था। जल्दी उसे बुला के लाओ। ठीक है राठौड़ जी। नहीं नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। नहीं करोगे तो देवी का पूजा तो अधूरा रह जाएगा। चलो, नहीं जाओगे तो देवी श्राप दे देगी इस गांव को। जो होना है होने दो, बचपन में ये काम बहुत किया है, अब नहीं करूंगा। माँ का पूजा है, मनाने ही करते हैं। हाँ जाओ बेटा जाओ, नहीं तो पूजा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आपकी बात ही मान लेता हूँ। अपने पिता के आदेश को मना ना करते हुए लालू चला गया राठौर के घर बलि चढ़ाने के लिए। मुझे खून चाहिए, खून। मुझे और बलि देना है, बकरी लाओ। और बकरे नहीं है बेटा, दो ही बलि चढ़ती है। बकरी नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। मेरे सर पे खून सवार है। बकरी लाओ बकरी, वरना मेरे सामने जो आएगा उसे मैं नर बलि चढ़ा दूंगा। माँ माँ जय माँ काली। क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों को मारने आ रहा है? राठौर और पुरोहित कहाँ है? बुलाओ बुलाओ। भागो भागो, बचाओ बचाओ। चलो अब मैं तुम्हारा बलि दूंगा। लालू बच्चे शांत हो जा, शांत हो के देख, मैं इंसान हूँ बकरी नहीं हूँ। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, माँ की आदेश है। चलो अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। चलो चलो। नहीं बेटा, ये माँ की आदेश नहीं हो सकती है, माँ तो जगत जननी है। माँ माँ किसे कहते हैं जानते हो तुम? दोबारा मुझे बुलाओगे बकरी बलि चढ़ाने के लिए? दोबारा मुझे बुलाओगे? नहीं बेटा, कभी नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं। मैं आज माता रानी के सामने कसम खाता हूँ, आज से बलि कभी नहीं चढ़ाऊंगा। ठीक है, हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटा। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया, मगर पुजारी को बुलाओ। पुजारी कहाँ है? बुलाओ बुलाओ पुजारी को। हम लोगों को मरेगा। सैतन लड़के मुझसे मजाक कर रहा था। हाँ तुझे मैं चलूंगा नहीं, मेरी माता रानी के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। कल सुबह जाके उसके पिता के पास बोलूंगा और मार के लाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम राठौर नहीं। लेकिन राठौर लालू को मार नहीं खिला पाया, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के न जाने कहाँ चला गया था। 7-8 दिन उसका अता पता नहीं चला। लेकिन एक दिन राठौर के घर गया शाम को और माफी मांगा और अपने घर वापिस गया, और उसके पिता सारी नाराजगी भूलकर उसे अपने घर में बिठा लिए, और उस दिन से राठौर के घर बलि चढ़ना बंद हो गया।